जन एकता जन अधिकार आंदोलन की शिमला जिला की बैठक शिमला में संपन्न हुई। इस बैठक में केंद्र व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ चर्चा की गई। इस मौके पर विजेंद्र मेहरा ने कहा कि देश में बने 45 श्रम कानूनों को खत्म कर केवल 4 कानूनों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा खतरे में है, उन पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस नीति नहीं बना रही। बुधवार को शिमला में जन एकता जन अधिकार आंदोलन ने एक बैठक का आयोजन किया। 70 सामाजिक संगठनों से बने इस आंदोलन द्वारा बैठक में मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें विजेंद्र मेहरा को संयोजक व देवकी नंद को सह संयोजक चुना गया। जन एकता जन अधिकार आंदोलन के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों से जन विरोधी नीतियां अपनाई जा रही है, जिसके आह्वान पर सभी जिलों में इस कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर आंदोलन द्वारा 23 मई को देश भर में प्रदर्शन करके लोगों को लामबंध किया जाएगा और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन का आगाज किया जाएगा। हमारे देश के अंदर मोदी सरकार काम कर रही है, खतरे बहुत हैं। विशेष तौर पर जो किसानी है, किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी हैं, उनकी तादाद बढ़ी है। किसान भारी संकट में है और इसलिए हज़ारों हज़ारों की तादाद में किसान जो सड़कों पर उतर रहे हैं। किसानों के साथ ही अगर हम देखेंगे तो मजदूरों की जो समस्याएं हैं वो भी पूरे देश के अंदर बढ़ रही हैं। श्रम कानून लगातार उनमें परिवर्तन हो रहे हैं, महंगाई बहुत बड़े पैमाने पर देश में व्याप्त है। इसके साथ साथ जो आज हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर एक वातावरण तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर सांप्रदायिकता के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो है आपस में टकराव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जो असल मुद्दे हैं किसानों के, मजदूरों के, छात्रों के, नौजवानों के, महिलाओं के, तो उन तमाम मुद्दों से ध्यान बटाकर जो है हिंदू मुसलमान की लड़ाई में इसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।